का याद राज के सुख ने आंसू ते मुंह धोया करिए, पलंग गलीचे नहीं बेचण रहे उड़ धरती के मास होया करिए। बिना से पूछा कितना आज तक कोई बोझ ठाक देखा सर पे, बिना कहती है कि महाराज मने सर के ऊपर कदे चीर भी कोई भारी फोड़ लिया करती तो नाड़ दुखन लायक जाया करती। बिना तेरा चीर ओढ़ते नाड़ दुखन लायक जाया करती, उड़े मेरी गेल तेरे लाकड़ी ढोनी पड़ेंगी। लक्ष्मी चंद छंद ने गा के सब कवियों को शीश झुका के, कदे सीख तलक ना देखी ठाके, उड़ा मेरी गेल लाकड़ी ढोया करिए, पलंग गलीचे नहीं बेचने तू धरती के मास होया करिए। बिना उसको फिर हौसला देती है कि महाराज जो औरत होती है वो आदमी की साथी होती है, कदे भीड़ पड़े मानस पे तो औरत से बढ़िया कोई साथी होता नहीं है। वो बिना हौसला देती है लकड़हारे को, क्या कहती है? ओ पिया Oh,
दुख में पता की फांस छुपा दे, दुख में पता की फांस छुपा दे, ओ भुला दे दरी दतई पे मैं दिनवार, ये रतने रजाई हो किनारी के हो से जिनके गात समाई हो मर्द का खोपटा की हो। हाँ। देखिए वैसे तो जमाना बदल गया, धीरे धीरे और भी बदलेगा, और ये भी अंदेशा है कि भाई हो सके है ये बातें भी लुप्त हो जाए, क्यों तुतक तुतक तूतिया का जमाना है, लोग गढ़ा बाज रहे हैं, अगर यह मूल छूट गया फिर रहेगा कुछ नहीं। मर्द का खोपटा के ओस है, ये कोई आदमी कहे नुको बे लक्ष्मी तो मर्द ने खोपटा है ना मानता। देखिए कोई भी घर हो, आपके गांव में भी उदाहरण पा जाएंगे, मानस तड़के घर तक लकड़ेगा, दारू पियोगा, तड़के उठता है लाग जा सांझ तई, काम करे ना धाम करे कुछ, अड्डे पड़ेगा ताश खेलेगा, बकवास बाजियां मरेगा कुछ नहीं करे, लुगाई उसकी ठिकाने की होगी, वह घर न सामने पाओगी। आदमी धक्के खाए जागा, सारी उम्र खाए जागा, लुगाई घर ना लड़ना दे। आदमी चाहे 1 करोड़ रुपये तनखा लेंदा हो, कितना है पढ़ा लिखा हो, कितना है लायक हो, उसकी बीरबानी ठिकाने की नहीं हो, चाहे वो कितना है बड़ा तूरम खा हो, वो बसेगा नहीं। वो कहती है महाराज मानस का क्या खोटा हो, हाँ मर ही रे तने के जरूरत से परण पत धड़ चाहिए ना सर चाहिए, उतने घर चाहिए ना जर चाहिए, इसे पाऊंगे उसने घर तक कोई मतलब नहीं, कमान तक कोई मतलब नहीं, परण पे धड़ चाहिए ना सर चाहिए, उतने तो घर चाहिए ना जर चाहिए, वीर ने वर चाहिए होशियार, उन्हों का था ना मैं 14 साल का हूं, वीर ने वर चाहिए होशियार, मेरी नर्दी के भाई हो अकलमंद छोटा के हो से, जिसमें अकल दे दे राम उसका के छोटा हो था, पतिवरता सुरग जुला दे, दुख व्यपता की फांस खुला दे, बुला दे दरी दत्तई पलंग निवार, तकिया रतन रजाई हो किनारी गोटा के हो से, कहता था तू क्या मांगे कुछ ना चाहिए।
लक्ष्मी चंद के मारे रुख की सजन में वो सलुगाई टुकी कुर्सी जो बतलाई हो फिर मर मलोटा की हो जाए। आदमी काम कर का होगा जब वीर बनी एक बांस के पानी का गिलास दे कर नू पूज ले ठीक सो जी सारी आरनो शरण दे ही उठे। आदमी धंधा कर का होए भीतर बड़े हर वह बनो सिर जुड़े पावे वहा मुंह करे पावे कि मैं तो धंधा गोड्डे तोड़ दे कि मैं उस बन्नो का मुंह देख कर जी वह लुगाई टूक की हो से खास बात पाओगी से परख कर देख लियो सारे गृहस्थी जो मर्द मानस घरा बड़े बढ़ते बीरबानी का मुंह देख लियो उसका मुंह बता देगा या ठीक है। बहुत अच्छी वार्तालाप हुई बिना ने उसको बड़ा हौसला दिया कि महाराज आप डरो मत मैं हूं आपके साथ में मारे सुथरे दिन आऊंगे। थोड़ा थोड़ा जी करना होया उस लकड़ारे का भी बिना जया बास है ना तो चल फिर कित महाराज देख या राई दिख दे कि हाँ महाराज या जित खत्म हो जाएगी ना उड़ रहे आप अरे कोर इस राई को ऊपर किसे दूसरे आदमी का पानी लग गया है एक न नगा रखी ये रसूल राजा राय सिंह की महला में दिल फूल जुए हैं
आरती ना करती जय कर्म होती सास के।
वीर मर्द कुटिया पे आ जाते हैं, आके लीलू पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मदन जी नरसिंह वास से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। जयप्रकाश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। कुटिया पहा कर बैठ गए, पिन्ना इधर उधर देखती है, बोली महाराज गढ़ी दूर तक चाल का आए हैं, थके हुए हैं, भूख भी लग रही है, कोई रोटी टुक्के का कोई जुगाड़ हो। नुबला भिन्ना कहूं थाना तोड़ जान दे, मांगना शुरू करेगी। नुबली महाराज रोटियां का तो जिक्र कर रहा है, आगी दोनों लकड़ा रे भूखे मरे कि मैं चाय पी ले फिर आगे आ टूक तो सैनी कुटिया में तू तो चीज खा ले। पीर मरद कुटिया के ऊपर आ गए, वो बिना कहती है महाराज कहीं कोई रोटी पानी का जुगाड़ कीजिए। बोला बिना सारी कुटिया में हंड जा, जे कीड़िया के बिल पे गेर जोगा चून पा जाना तुम्हारा नाम नहीं। नूली महाराज कती खाखी, बोला गुलाबी कालड़ा तले कुछ नहीं आड़। बोला बिना अपना छन कंगन उतारती है, बोली के महाराज आप एक काम कीजिए, छन कंगन को ले जाइए कहीं पे, इसको गिरवी रख दीजिए या इसको बेच दीजिए कि मैं राशन पानी का बंदोबस्त करो, कुछ अपने लत्ते कपड़े समवा लो कि मैं डाटी डूटी बनवा लो, ठीक हो जाओ, जाओ छन कंगन न ले जाओ। लकड़हारा उस छन कंगन को लेकर चलता है, उछाता जाओ उसने के भाई किसे का टोटा में ब्याह ना हो, बबीर बानी की जब टूम तारनी पड़ जा तो फिर जीना कुछ नहीं। लकड़हारा विचार करता है, आगे बढ़ता है, कैसे बना शाही को छोटी मोटी चीज ना है, आम दुकानदार इसको ले नहीं सकता,
धक्के खावे, फिर उसने एक जगह थी मिलेंगे। तू थोड़ी समाई तराक, एक शाना हा आदमी था वो उसकी तरफ हो गया कि मैं कदे इस गल दो खाना हो जा। बाकी के तुम्हारे जमा करा दी। जमा करवाने का फायदा के तेरे को चार आने इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। उस सियाने आदमी पर विश्वास करया, बाकी के पीछे उड़े छोटे खर्च के पैसे जेब में डाल लिए और फिर नु कह रहे जिनके दिन आ जा सो सोड़े हुए मूर्ख लोग रहे ना पोड़े। गोज में रुपया आते मानस की अकल काम करना शुरू कर दे। पीछे गोज में आते लिखर के जोरी पते बाजार में देखता है का
सब कवियों वो सब कवियों को शीश झुकाके ने उससे पहले चंदन की लकड़ियों का बरोटा कुटिया का बार मरे युवा राजा की लड़की उसने देखी हुए लकड़ी पहचान की क्या चंदन की लकड़ियां युवली महाराज इनने फूकोगे बोले के बात बड़ा नहीं आलिया का बक्कड़ पाटेगा युवली महाराज बड़े तो बड़ी आगी लेकिन ये बहुत महंगी लकड़ी है जब कोई बहुत बड़ी हस्ती गुजर जा उसकी चिता में भी कोई एक आधी डांट लग गया अगर इसकी बावड़ी इनने कौन महंगी कह था के बात क्या मैंने 6 साल हो गए ये लकड़ी ढोते ये महाराज बदले में आपको क्या मिलता था के 2 रोटी सुबह 2 शाम को बोली महाराज आप तो लूट लिए लूट काम लिया खोल रखी दी अगले गेल 20 दड़ी लकड़ी डालूंगा 2 टाइम का भोजन करूंगा बोली महाराज ये लकड़ियों लकड़ियां बहुत महंगी हैं क्या रोटियों में इनका मुकाबला करोगे आप जाओ और उस लोभी लाल से अपना हिसाब करवाओ निबला बिना जाते पिटेगा कि मैं तो इस ब्याह के चक्कर में गया नहीं मैं 2-3 दिन हरीब जाऊंगा हिसाब मांगूंगा और वो लाला पिटेगा बोली महाराज मैं ना पिटने दू तुम्हें कि तू क्या करेगी क्या मैं मर्दाना भेष धार का आपके पीछे पीछे आती हूं गरीब कति नहीं जा के बात क्या वो लाला मना पिटेगा और बहू आगे छोरा पिटा 2 अन्या का नहीं कति नहीं जा ने बोली नहीं महाराज समझाया बुझाया लकड़हारा भेज दिया जाके वो लकड़हारा उस लोभीलाल सेठ को कहता है कि भाई लाला जी जो मैं लकड़ी तेरे को डालता था वो बहुत महंगी लकड़ियां थी तो बोले अच्छा रोटी सस्ती थी 4 रोटी खाता तू रोज 4 रोटी हम बटे उन्होंने ना दिया
बकरी तो उकाती की से। निबला भाई लाला जी नू मत करे, वो बहुत महंगी लकड़ियां थी। विलाप करता है के लकड़ी लाते लाला जी, दुखिया ने बीत लिए 6 साल। 6 साल बीत लिए पक्के, आज मैं गिन गिन दूंगा टक्के। धक्के खाते लाला जी, गोटे टूटे बिगड़ी चाल। लकड़ी लाते लाला जी, दुखिया ने बीत लिए 6 साल। लक्ष्मी चंद जाटी तो चल के गुरु तो ज्ञान लिया, खिलके मिलके गाते लाला जी, बेरा ना कद आ जा काल। लकड़ी लाते लाला जी, दुखिया ने बीत लिए 6 साल। इतनी देर में वो बिना मर्दाना भेष धारण करकाई, भाई लाला जी राम राम, के राम राम आई, के बहुत दूर से आए हैं, चंदन की लकड़ियां चाहिए। बोला कितनी ये ले, बोला भाव क्या होगा। लोभीलाल कहता है भैया ये कोई 21 रुपए मन। बोले भैया तो बहुत महंगी, 12 रुपये दे दे। बोला ना भाई गणी करे तो मैं 18 कर दूंगा। बोले भाई तू 14 दे दे। लाला बोला भाई तेरी 14 नहीं, मेरी 18 नहीं, 16 रुपया का भाव था। के ठीक, 16 रुपए का भाव तय हो गया। बिना के लागी के लाला जी, मैं कागज के ऊपर उलिया बनवाऊंगा, 16 रुपए मन का उस पे भाव लिखा होगा, नीचे तेरे दस्तक होंगे, यहां आसपास के सेठों के भी दस्तक करवाऊंगा, क्योंकि चंदन की लकड़ियों की पकड़ है, मन बहुत दूर ले जाने। हाल उल्टा की चोरी की है, लिखवा ले। लोभीलाल सेठ के हाथ से 16 रुपए मन का भाव लिखवाया और नीचे दस्तक करवा लिए। और बिना उस कागज को लेकर और चल ली जब लक्कड़ आ रहा देखो हो करेगी के मन के मन। ये रम मेरे धोरे जिस पर तू तेल ले जाया करता। अरे मैंने जब से लकड़ी डालनी शुरू करी है, तू इस पूरा पूरे इलाके का साहूकार कहलाता है। आज मने नू कह तू बाहर निकल जा। मेरे भाई महावीर 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। निमले रे लो भी लाल, न्यू नहीं करना चाहिए मानस के। तू तेरा रखनी मरोड़ी, अल्लाह तू तेरा
पहलवान जी लीलू 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। मकोड़ा पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। बिना कहती है भाई लाला जी मैं जब से आया हूं तब से ये आदमी यहां खड़ा है और भैया तेरे से प्रार्थना कर रहा जब से तू इसकी सुनता नहीं। नुला भाई इसके रुपये खोस रखे किसी ने मेरा गल में गल रहा दे नुला भाई मना ऐसा लगता नहीं है के आदमी झूठ बोलता हो तो इसका हिसाब क्यों ना कर दे कोई। लो बिलान मिला बस तेरा काम है तने लकड़ी मिल गई पीछे दे अपनी लकड़ी ले चल तुम्हारे बीच में कौन बोलनी है। बिना एकदम क्रोध में आ गई नोवली ओलाला जी इसका हिसाब कर दे ना ते तेरे जन बच्चे को कोल्लू में कपिड़वा दूंगी। लाला जी देखो हो त्री सुसरी मरा बटा दिखो और बोलो और डाल क्या कौन है तू बोली सुन ले मैं कौन हूं और न्यारी बात से यो कौन है या और सुन दे। राजा राय सिंह की जाई सु बिना नाम से मेरा इसने गैर शख्स मत जाने यो बाल्यम मेरा है साफ कर इसका। राजा की लड़की लाला का के बेओ तू सा बोलने का राहो मुनीम के हिसाब कर इसका। 6 साल 16 रुपए दही के हिसाब से 16 रुपए मड़क के हिसाब से 6 साल के 20 दही लकड़ी हर रोज 86,400 बैठे। लाला जी ने बोला भाई मर जावांगे बोले अच्छा यो नहीं मर जाएगा हिसाब कर इसका। रुपये गिनवा लिए 400 रुपये छोड़ दिए बोला जाइए रोटियां के हैं सजनों 86,000 रुपया हाथ में देकर फिर उस लाला जी ने कहने लगी लाला जी इसने 10 रुपये और दे ऊपर में अब क्या के बोला बटे हो उधार आयो
मान सम्मान के साथ बिना उसका हिसाब करवा के उल्टी चली। न्यू बोली महाराज देख मेरे बाप ने न्यू ब्याई थी क्या तक क्या खा कर आ जाएगी दो दिन में। अराकन कहेगी पिताजी आपके भाग्य से सब कुछ था लेकिन देखी परमात्मा राजी हो तो न्यू दे मेरे भाग में ना लिख रखा था। क्या कहती है प्रस्ती बैठे हैं सारे खूब सुनते हो रागनी इस तरह की बात है पंडियों की कैलेंडर बनवा लो ग्रहा पाएंगे गृहस्थी मानस एक बार रोज तड़के उठ के वीर मर्द पढ़ ले फिटे मुंह लक्ष्मी बामण की कविता ही पटोटा घर मरे जाते। क्या कहती है Oh, my God.
मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। तीसरी बात में चलते रहे वह दुकान आएगी जरा छन कंगन दयाला मुला बिना इस दुकान पर अपना छन कंगन बोली महाराज फिर वो भी छुपाऊंगे। उस दुकान पे गए छन कंगन लिया और फिर उस बिना ने वो जो भेष तारा था वो भेष तार के और फिर उसी रूप में आ जाती है। सेवा करके तुमने सब जल जो